नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। आज का किस्सा है देवानंद और गुरुदत्त का। एक ही धोबी के यहां धुलते थे गुरुदत्त और देवानंद के कपड़े। बताएंगे आपको क्या हुआ था जब बदली थी दोनों की कमीज आपस में। दरअसल गुरुदत्त की देवानंद से पहली मुलाकात पुणे के प्रभात स्टूडियो में हुई थी। दोनों के कपड़े एक ही धोबी के यहां पर धुला करते थे। एक बार धोबी ने गलती से गुरुदत्त की कमीज देवानंद के यहां और उनकी कमीज गुरुदत्त के यहां पहुंचा दी। अब मजे की बात यह थी कि दोनों ने वो कमीज पहन भी ली और दोनों को कमीज बदलने का पता भी नहीं लगा। जब देवानंद स्टूडियो में घुस रहे थे तो गुरुदत्त ने उनका हाथ मिलाकर स्वागत किया और अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं निर्देशक बिडेकर का असिस्टेंट हूं। अचानक उनकी नजर देवानंद की कमीज पर गई। वो उन्हें कुछ पहचानी हुई सी लगी और उन्होंने छूटते ही पूछा, ये कमीज आपने कहां से खरीदी? देवानंद थोड़ा सक पकाए लेकिन बोले, ये कमीज मेरे धोबी ने किसी की सालगिरह पर पहनने के लिए दी है। लेकिन जनाब, आप भी बताएं कि आपने अपनी कमीज कहां से खरीदी? गुरुदत्त ने शरारती अंदाज में जवाब दिया कि ये कमीज उन्होंने कहीं से चुराई है। दोनों ने एक दूसरे की कमीज पहने हुए जोर से ठहाका लगाया, एक दूसरे से गले मिले और हमेशा के लिए एक दूसरे के दोस्त हो गए। दोनों ने साथ मिलकर पुणे शहर की खाक छानी और एक दिन अपने बियर के ग्लास लड़ाते हुए गुरुदत्त ने वादा किया, देव अगर कभी मैं डायरेक्टर बनता हूं तो तुम मेरे पहले हीरो होगे। गुरुदत्त की बात सुनकर देवानंद ने भी उतनी ही गहनता से जवाब दिया, और तुम मेरे पहले डायरेक्टर होगे अगर मुझे कोई फिल्म प्रोड्यूस करने को मिलती है। देवानंद को अपना वादा याद रहा और जब नवकेतन फिल्म्स ने बाजी फिल्म बनाने का फैसला किया तो डायरेक्टर की जिम्मेदारी उन्होंने गुरुदत्त को दी। बाजी फिल्म हिट हुई और उसने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। उन्होंने अपना परिवार के लिए भी पहला सीलिंग फैन खरीदा था। ये उन दिनों की बात है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो।